ये प्रातः क्लास है 11 नवंबर 1968। ये 15 मिनट आधा घंटा व पौना घंटा बच्चे बैठते हैं याद में, और बाबा भी बिठाते हैं कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और ये शिक्षा सारे कल्प में एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी होकर बैठो, क्यों नहीं कहेंगे है? कारण क्या है? सत्युग में नहीं कहेंगे इसलिए कि वहां सब ऑलरेडी आत्माभिमानी ही होते हैं, इसलिए कहने करने की दरकार नहीं है। ये तो एक ही संगम युग है जहां सदगुरु कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है एक सदगुरु तारे बाकी सभी बोरे। वो एक सदगुरु एक ही बार आते हैं, बाकी दुनिया के गुरु तो निमित्त बनते हैं नीचे गिराने अथवा विषय सागर में डूबने का रास्ता बताने। वो गुरु लोग तो वैश्याल में ले जाने का रास्ता बताते हैं, और फिर उनमें मगरूरी कितनी है, तो भेंट करनी होती है। वो गुरु लोग क्या करते हैं और बाप क्या करते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं और वो गुरु क्या कहते हैं। बाप देखो कितना आत्माभिमानी है और उनमें कितना देह अभिमान है। यह भी बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि बनाने वाला खुद भी देही अभिमानी बनने वाला है। समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, तो जो सभी आत्माओं का बाप है उनको तो देही बन करके बाप को याद करना नहीं है, और याद भी वो ही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। बाकी तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद भी नहीं करेंगे, बीच में ही छोड़ देंगे। और तुम जानते हो भांति तो बहुत बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बातें बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सभी का बाप भी है और फिर नाली फूल भी है। और नाली रहती भी आत्मा में है, तुम्हारी आत्मा ये ज्ञान के संस्कार ले जाती है। वही नाली सुन बाप की नाली है,
वो बाप है ये तो सभी मानते हैं, फिर दूसरी उसमें खूबी है कौन में और ली नॉलेज है। और धर्म गुरु जो नॉलेज देते हैं वो तो गुरु से सुन करके या शास्त्रों से पढ़ करके देते हैं। ये बाप तो ओरिजिनली बीज रूप है, तो जैसे बाप तुमको स्वयं समझाते हैं तुमको फिर औरों को समझाना है, बताना है ये बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है उनमें फिर वह सत्य बाप चैतन्य बाप प्रवेश करते हैं। कहते भी हैं सत्य चित्तानंद, वो सदैव सत्य है, सदैव चैतन्य है, सदैव आनंद रूप है। नॉलेज फुल है ना, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, उनके सिवाय और कोई को भी नहीं झाड़ की नॉलेज नहीं है। और इस झाड़ की आयु का पता भी नहीं है, इस झाड़ को मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कहा जाता है। इनका बीज ऊपर में है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। आम का झाड़ होता है तो उनका क्रिएटर भी बीज को कहा जाता है, तो वो जैसे कि बाप हो गया। परंतु आम का बीज तो जड़ है, अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता है कि मेरे से सारा झाड़ कैसे निकलता है, परंतु तो जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, तो ये ऊपर में रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो तो बाप से तुमको भी नॉलेज मिलती है। वो बाप है ऊंचे से ऊंच, और पद भी तुमको ऊंचे ऊंच देते हैं। तुमको स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, ये तो मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य होता है। देवताओं की राजधानी में राजा रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार, ये सब कहाँ बने होंगे और कैसे बने होंगे। ये सारी देवी देवताओं की राजाई कैसे बनी, अभी तुम तो जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हो रहा है, कौन स्थापन करते हैं। तुम तो कहेंगे भगवान ही स्थापन करते हैं, मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल तमो प्रधान, भ्रष्टाचारी होने के कारण कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप तो कहते हैं जो कुछ भी होता है ब्रह्मा के प्लान अनुसार होता है। ये सारी दुनिया ड्रामा के बसीभूत है। बाप भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बसीभूत हूँ,
मेरे को भी जो पार्ट मिला हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार वो ही पार्ट में बजाता हूँ। वो सुप्रीम पार्ट बजाने वाला है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। उनके अलावा और सभी को ब्रदर्स कहा जाता है, और कोई भी मनुष्य मात्र को फादर, टीचर या गुरु नहीं कहा जाता है। वो सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। ये बातें तुम बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। अरे कैसे कैसे पुरुषार्थ करते हैं वो बात झट स्थूल में तुमको मालूम पड़ जाती है कि बाप को याद करते हैं व नहीं करते हैं। देही अभिमानी है या देह अभिमानी है, देखा जाता है। ये नॉलेज में तीखा है, इनकी एक्टिविटी से समझा जाता है। तो बाप डायरेक्ट बच्चों को कुछ नहीं कहते, सोचते हैं कहीं फंक ना हो जाए, अफसोस में ना आ जाए ये बाबा ने क्या कह दिया। और सभी क्या कहेंगे, बात तो बता सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, क्योंकि सर्विस पर बच्चों के पद का सारा मदार जाता है। बाप भी आकर सर्विस तो करते हैं ना, तो बाप की सर्विस से तुम समझ सकते हो कि बाप ऊंचते ऊंचे है। बच्चों को भी याद करना है कि हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने वाले हैं, इसके लिए याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप आते हैं तो योग और नॉलेज ही सिखलाते हैं, और नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में कई बच्चे थिरक जाते हैं क्योंकि घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। जब देह भान आता है तो कहेंगे हमको ये चाहिए, ये ऐसा अच्छा नहीं है, अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं। बाप तो कहते हैं अरे तुमको क्या अच्छा चाहिए, अभी तो तुम वनवास में हो, तुमको अभी कोई राजा ही थोड़े ही मिल गई है, तुमको तो वानप्रस्थ में जाना है। फिर कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं पहन सकेंगे। अगर ऐसी कोई अच्छी चीज दूं तो वो अच्छी चीज अभी बहुत याद आवेगी। और तुम्हारा शरीर भी तुमको खींचेगा, अच्छी अच्छी चीजें पहनेंगे
तो घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते रहेंगे। मेहनत के बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है, और मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प कर तुम बच्चे करते आए। 11/11/68 की वाणी का दूसरा भी पुरुषार्थ करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। जब प्रत्यक्ष होंगे तो स्कूल में भी नंबर वार ट्रांसफर होते हैं ना, तो बेसिकली प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए है, ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? ट्रांसफर तो हुआ, फिर पढ़ाई शुरू होती है। टीचर तो समझ जाते हैं फलाने बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ने का बहुत शौक है, उनसे फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे तीसरे क्लास में जाते हैं, यहां तो ये एक ही बार पढ़ना होता है, चल करके तुम जितना नजदीक आते जावेंगे, इसके नजदीक आते जावेंगे। पुरुषार्थ में बाप के जितना नजदीक आते जावेंगे उतना सभी को मालूम पड़ता जावेगा। ये बहुत मेहनतमंद बच्चा है, जरूर पद पावेंगे, तो जानते हो। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। ये सारी बात एक्टिविटी से मालूम पड़ जाती है, कौन क्या बनने वाला है। देखा जाता है ये देह अभिमान में कितने रहते हैं और इनका बाप से कितना लव है। बाप के साथ लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं, भाई भाई के लव से कुछ भी मिलता नहीं है। तुम जानते हो वर्षा सभी को एक बाप से मिलता है, तो बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। मूल बात ही यही आज की यात्रा की है, और इस याद से ही तुमको ताकत आवेगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा भी होती जाती है, ज्ञान का तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती ही रहती है, और ये एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही सदगुरु जो तुमको देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। इनके अलावा और तो कोई है ही नहीं जो तुमको देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे। क्यों, और कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा क्यों नहीं दे सकता है? हाँ, क्योंकि दुनिया में सब देह अभिमानी है, देह अभिमानी ही बनावेंगे। आत्माभिमानी बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। तो आत्माभिमानी की नॉलेज दुनिया में कोई से भी मिलती नहीं है, क्योंकि कोई को पता ही नहीं है क्या क्या आत्मा क्या चीज है, आत्मा कहाँ रहती है,
इस सृष्टि रंगमंच पर आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा क्या पार्ट बजाती है, कितने जन्म लेती है, कैसे ऊपर से नीचे उतरती है या नीचे से ऊपर जाती है, कुछ पता नहीं और किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो समझते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। दुनिया में कोई भी मनुष्य बाप, टीचर और गुरु नहीं हो सकता। कोई का बाप टीचर होगा परंतु गुरु नहीं होगा। यहां तो तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। तुम हरेक अपना अपना पार्ट बजा रहे हो तो तुम साक्षी होकर के देखते हो और सारा ही नाटक तुमको साक्षी होकर के देखना है और साक्षी होकर के एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर भी है। सबसे जास्ती ड्रामा कौन क्रिएट करता है? कहेंगे बाप ही क्रिएट करता है। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे रहता है, बाप भी डायरेक्टर है। पर्दे के पीछे रह करके तुमको पार्ट प्ले करना सिखाता है। सुप्रीम एक्टर भी है तो सारी दुनिया का क्रिएटर डायरेक्टर है। शिव बाबा इस सच रूपी रंगमंच पर आकर के एक्ट करते हैं क्योंकि सभी का बाप है। सभी बच्चे अथवा बच्चियों को आकर के वर्षा देते हैं तो बाप एक ही है, बाकी सभी आत्माएं भाई भाई है। एक बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी इस दुनिया में तुम्हारी बुद्धि में और कोई भी चीज नहीं आती है। बाप भी कहते हो तुम जो कुछ देखते हो ये सभी विनाश हो जाना है। अभी तुमको तो घर जाना है। वो लोग तो ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो घर है, ब्रह्म कोई भगवान थोड़े ही है। वो तो गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में जाते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे आत्मा अगर ब्रह्म में लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। कहते हैं आत्मा बुदबुदा है, जैसे सागर में बुदबुदे होते हैं, सागर में विलीन हो जाते। तो अगर आत्मा बुदबुदा मिसल है तो अविनाशी है या विनाशी है? विनाशी हो गई। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है, दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा बुदबुदा है। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वो सब रंग हो जाता है। मुक्ति के लिए कहते हैं सदा काल मुक्ति हो जाए। अब आत्मा सदा काल मुक्ति हो जाए और परमात्मा के लिए कहते हैं वो कल्प कल्प इस सृष्टि पर आते हैं, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। वाह, भगवान तो इस सृष्टि पर बांधा हुआ है,
और आत्मा सदा के लिए मुक्त कैसे हो सकती है? जो कुछ युक्ति रचते हैं वो सभी रंग रचते। अभी राइट रास्ता तो एक बाप ही आकर के बताते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, सारी दुनिया तो तुमको आधीन बनाती है, मैं तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूं और ड्रामा के प्लान अनुसार बनाता हूं। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। बाबा आप हमारा मुख ले लो, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। बाबा कहते हैं इसमें हमारी तो कृपा करने की बात ही नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मैं कोई सर्वव्यापी हूं या जिसमें चाहूं उसमें प्रवेश कर जाऊं, नहीं, नियम बना हुआ है। ऊंचते ऊंचे धर्म पिताएं ऊंचते ऊंचे आत्माओं में जो पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करते हैं। जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंची पार्टधारी आत्मा में प्रवेश करेगा। तो मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, ऐसे नहीं कि मैं कोई कभी मुख ले लूंगा, नहीं, बाप को इसमें कुछ करने की बात नहीं है। हाँ मुख्य बात ये जरूर है कि तुमको मेरे डायरेक्शन पर चलना है, क्योंकि एक बाप ही है जिसका राइट डायरेक्शन तुमको मिलता है। और तो सभी रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं, सभी की रॉन्ग डायरेक्शन है। क्यों है? क्योंकि सब में पांच विकार हैं, एक बाप ही है जो व्यर प्योर होने के कारण निर्विकार है, और तो सब नीचे ही उतरते जाते हैं, रंग बन जाते हैं। मैं तो ऊपर से नीचे आता हूं तो भी नीचे नहीं उतरता। वो गुरु लोग तो देखो क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते, इन बातों में कोई सुख नहीं है। तुम तो जान गए हो ये अल्पकाल के सुख हैं, रिद्धि सिद्धि से अल्पकाल का सुख होता है, कोई स्वर्ग तो नहीं स्थापन हो जाता। तो इन रिद्धि सिद्धि को कहा जाता है कागविष्ठा समान सुख। तुम बच्चों को सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, और विदेशियों को झाड़ पर भी समझाना है। झाड़ के चित्र में कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारा धर्म स्थापक फलाने टाइम पर फलानी जगह आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। तो जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उनको ये धर्म अच्छा लगेगा, किनको अच्छा नहीं लगेगा और किनको अच्छा लगेगा है? ये 33 करोड़ देवताएं ही हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो उन कन्वर्ट होने वालों को ये बाप की बताई हुई बातें ज्ञान की, जो सनातन धर्म स्थापन करने वाली बातें हैं,
वो अच्छी लगेगी। 33 करोड़ देव आत्माओं के अलावा जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो अपने धर्म की पक्की हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जो कन्वर्ट होने वाले हिंदू हैं वो झट निकल आएंगे। बाकी औरों को अच्छा नहीं लगेगा तो वो पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे, वो स्वर्ग में थोड़े ही आएंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो यहां आप ही फांसी पर चढ़ना है। कौन सी फांसी? देह अभिमान को त्यागने की फांसी। अपन को सदैव आत्मा समझना है, ये बड़ी मीठी फांसी है। धर्मराज की सजाओं से बचाने वाली फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। अभी तो जानते हो फादर तो ऊपर में रहते हैं और तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमको तो एक बाप को याद करना है और ये शरीर तो यहीं छोड़ देना है। तुमको ये सारी बातों का ध्यान। अब बताओ तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो जरूर बाप कालों का काल होगा, सबको काल के गाल में ढकेल देता है। अब काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? काल तो शरीर को खाता है। तो जो भी देह अभिमानी है वो सब काल के गाल में चले जावे। तुम तो अपन को आत्मा समझते हो, तो बाप तुमको कहते हैं कि फांसी पर चढ़ जाओ। वो काल तो एक काल को ले जाते हैं। वो भी काल कोई है थोड़े ही जो ले जाने वाला है, ये तो सब ड्रामा में नूंद है। आत्मा आप ही समय पर चली जाती है, तो ये बाप भी जब टाइम आवेगा तो सभी को ले जाएगा। तो अभी तुम सभी का बुद्धि योग अपने घर जाने के लिए होना चाहिए। 11-11 अर्षक की वाणी का तीसरा पेज। वास्तव में शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है, बाप तुमको कहते हैं कि शरीर से मोह छोड़ दो, शरीर को भूल जाओ, शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा चली जाती है। तुम जानते हो जो आप ही मरते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, बाकी जो आप ही नहीं मरेंगे देह अभिमान से उनको फिर काल खा जाएगा, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु होनी है। जिनकी अकाल मृत्यु होगी वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। बाप को तो बुलाते भी हैं, इसलिए ही बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको
इस सृष्टि से ले जाओ। ये दुखों की दुनिया है, अब हमको यहाँ रहना ही नहीं है। ब्रह्मा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब हमको यहाँ नहीं रहना है। तो बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है तो मरेंगे जरूर। तो अभी वाणी से परे तो सबको जाना ही है, परंतु तुम बच्चों को काल नहीं खावेगा। तुम खुशी खुशी से जाते हो, अर्थात तुम्हारी अकाले मौत नहीं होगी। काल तब खाता है जब जबरदस्ती पकड़ता है। शासाद जो भी हैं वो तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग में वो शास्त्र फिर भी होंगे। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं ड्रामा की। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वो फिर सभी उसी टाइम पर चलेगी। इसमें मुझे नहीं कि कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तारती है, वो बहु रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। फीचर्स आदि सब वही होंगे, वही आत्माएं हैं तो फीचर्स भी वही। मनुष्य के 84 जन्म तो हैं तो 84 फीचर्स भी जरूर होंगे। जो भी सभी फीचर्स हैं हूबहू फिर से वही बनेंगे, और इस बात में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बड़ी समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वो बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसा कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य को कोई बाप नहीं कहेंगे, इनको तो तुम बाबा कहते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हो, ये भी कहते हैं कि मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। गांधी बापू जी प्रजापिता नहीं था, उनसे भी कोई वर्षा नहीं मिलता है। तो बाप कहते हैं इन बातों में तुम बुझो मत, बोलो हम ब्रह्मा को भगवान का देवता नहीं कहते। वो तो दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य है। दाढ़ी मूंछ वाले जो मनुष्य होते हैं वो तो होते ही पापात्मा है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। तो झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अभी तो सभी तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में, तो ये भी तमो प्रधान खड़ा है। फीचर्स वही है, परंतु इस तमो प्रधान तन में बाप प्रवेश करके इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ये ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? ये पतित है और वो प्रवेश करने वाला पावन है। ये पतित ही फिर पावन देवता बनते हैं। 84 जन्म लेकर के पतित मनुष्य बनते हैं, ये मनुष्य फिर देवता बनता है। तो मनुष्यों को देवता बनाए, फिर देवता से मनुष्य बने, ये वंडरफुल बातें हैं।
तो ये है वो बनते हैं सेकंड में, वो फिर 84 जन्म लिए, ये है बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश करके पढ़ाते हैं और तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है। लक्ष्मी नारायण आदि कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि राधा कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, परंतु ये नहीं समझते हैं कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर नारायण बनते, ये ही बेगर टू प्रिंस बनेंगे। कोई पेट से तो इतना बड़ा नहीं निकलेगा, बेगर टू प्रिंस, प्रिंस तो फिर बेगर बनते हैं। कितनी सहज समझने की बातें हैं, 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। ये वो बनते हैं, युगल हैं, इसलिए इनको 4 भुजाएं देते हैं। इनका प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी ये ज्ञान दे ही नहीं सकते, उन निवृत्ति मार्ग वालों का तो पार्ट ही अलग है। वो निवृत्ति मार्ग वाले तो सुख को ही नहीं मानते, उनको कोई ने गुरु किया गोया नीचे गिरा। इसलिए कहा जाता है एक सदगुरु ही तारे, बाकी डुबोने वाले तो वो अनेक गुरु हैं। उनमें भी नंबर 1 है स्त्री का पति गुरु, वो तो एकदम वैश्याले में डुबो देते हैं। तो कितना अच्छा रीत बाप बैठ समझाते हैं, ये समझ लेने के साथ फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वाई स्त्री से पति के लिए पूछो, तो झट बतावेंगे इनमें ये खामियां हैं। इस बात में हमको ये तंग करते हैं, या तो फिर कहते हैं हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते, दोनों एक दो के मददगार होकर चलते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो को गिराने की ही कोशिश करते रहते हैं। बाप कहते हैं स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है, वो आसुरी सभी स्वभाव त्याग दो, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। ये भी तुम जानते हो कि असुरों और देवताओं की युद्ध नहीं लगी है, क्योंकि असुर तो होते हैं कलयुग में और देवताएं होते हैं सतयुग में, फिर दोनों की युद्ध कैसे हो सकती। दिखाते हैं देवताओं ने जीता, अब ये तो नहीं हो सकता। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये शूटिंग पीरियड है, पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पुरानी दुनिया में आने वाली आत्माएं और नई दुनिया में आने वाली आत्माएं दोनों के संस्कारों का टकराव होता है। जिनका द्वापर युग में बैठ शास्त्र बनाया, तो बाप समझाते हैं गीता मनुष्यों ने बैठ बनाई है, पास्ट में जो हो करके गया है उनका बैठ करके लिखा है। इनको कहानियां कहेंगे, ये कहानियां त्योहार आदि ये सभी संगम युग की यादगार है।
द्वापर से लेकर त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। ये त्योहार कोई सत्ययुग में नहीं मनाए जाते हैं, क्यों? वहां कोई जश्न क्यों नहीं मनाया जाता, उत्सव क्यों नहीं मनाए जाते? क्योंकि वहां तो सदैव ही सुखी ही सुख है, रोज ही त्योहार है, रोज ही खुशी है। इस कलयुग की दुनिया में तो रोज दुख है, इसलिए एक दिन बैठ सुख मनाए लेते हैं। ये सभी बुद्धि से समझने की बातें हैं। 11:11:68 की वाणी का चौथा पेज। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं, बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। 7 रोज में सारी नॉलेज धारण कर सकते हैं, परंतु पहले अटेंशन देना चाहिए याद की यात्रा पर। पहले तुम्हारी भट्टी बनी थी, उसमें कोई फर्स्ट ग्रेड निकले, कोई सेकंड ग्रेड निकले, कोई थर्ड ग्रेड, कोई तो फिर बागंती हो गए, कहेंगे 4th ग्रेड में चले गए। फिर भी जो 4th ग्रेड में चले गए वो स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे, हैं? स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे, 4th क्लास प्रजा बन जाएंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी सारा घराना स्थापन होता है। अगर थोड़ा भी परिचय लिया तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे, ढेर की ढेर प्रजा बनती है। और वहां वजीर तो होता ही नहीं है, फिर द्वापर से एक वजीर शुरू होता है। अभी तो अनेक वजीर हैं, फिर नई दुनिया में 9 वजीर। लक्ष्मी नारायण को वजीर की दरकार ही नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि वजीर की दरकार तब होती है जब द्वापर से राजाएं पतित बनते हैं, तब ब्राह्मणों को विद्वानों को वजीर बनाते हैं। सतयुग में तो लक्ष्मीनारायण होते ही पावन है, पति तो होते नहीं है, बुद्धि शुद्ध रहती है। आगे द्वापर में 1 वजीर होता था, अभी तो देखो ढेर के ढेर वजीर है। रानी को कितने वजीर हो, पूरी पार्लियामेंट है, तो रानी फिर अपनी बुद्धि से थोड़ा ही काम करती होगी। सभी की राय छांट छांट करके फिर लेते रहते हैं। अब ये बाप यहां क्या करते हैं, कोई लिखत पढ़ते हैं क्या? कुछ भी नहीं, वो तो याद करके फिर पढ़ते हैं। गीता भी याद करके फिर बैठ सुनाते हैं, उनको लोग बहुत होशियार समझते हैं। है ही मुख्य गीता, तुम्हारी बुद्धि में है गीता का भगवान बाप सर्व का सदगति दाता, वो सारी सृष्टि की सदगति करते हैं। यहां बैठे तो बच्चों को सर्व की सदगति कराने का रास्ता बताते हैं। अब टीचर पहले से ही सब कुछ थोड़ा ही बता देंगे, पढ़ने में तो टाइम लगता है, तो एक ही समय सारी बातें थोड़ी ही पढ़ा देंगे। ये भी भले एक ही सब्जेक्ट है, परंतु मेहनत तो है ना, इसमें पावन बनने की मेहनत है। और दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं है जिनमें पावन बनने की बात रहती हो। सन्यासियों का तो मार्ग ही अलग है, उनमें नागे भी होते हैं वो अलग है, और नागों के भी बड़े बड़े लश्कर होते हैं, वो जा करके जंगल में रहते हैं,
उनमें सब मेल्स होते हैं, उनके पास ऐसी ऐसी दवाइयां होती हैं जो कर्मेंद्रियों को निरस्त कर देती है। अभी तुम समझते हो ये भी ड्रामा में सब नूद है, ये फिर सब रिपीट होगा। तुमसे समझ कर तो बहुत ही जाते हैं, फिर किसकी तकदीर में होगा वो पाएगा। तुम बच्चे सर्विस तो बहुत करते हो, अपने अपने ज्ञान और योग बल के अनुसार सर्विस करते रहते हो। इसमें योग का बल तो बहुत चाहिए, देहियों में देही अभिमानी चाहिए, मूल बात है देही अभिमानी बनने की। बाप भी मिला है घर ले जाने के लिए, क्योंकि इस पतित दुनिया में अपार दुख है। बाप इस पतित दुनिया से हमको ले जाते हैं अपने घर, यहाँ का हिसाब किताब चुकतू करके सब नंबर बाद जावे। तुम बच्चों को सारे झाड़ का मालूम पड़ गया, मनुष्य तो कितने गपोड़े लगाते रहते हैं, बाप तो आकर भी सच्ची बात बताते हैं। तो संगम युग का भी तुमको अभी पता पड़ा है, जबकि बाप पुरुषोत्तम बनाने आते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बात सदैव बुद्धि में याद रहे, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत, तो पुरुषोत्तम बनना ही है। मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम, और जीवन मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम। ये नॉलेज आत्मा को मिलती है, आत्मा ही धारण करके संस्कार ले जाती है साथ में। तो हम सो कहा थी, ये तुम बच्चों को समझाया है। वो लोग तो कह देते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा, इतना लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। तो समझते हो ओम अर्थात आई एम आत्मा, हम बाप की संतान हैं। तो हम सो का अर्थ भी तुमको दूसरों को समझाना पड़े। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय आदि आदि। अभी हम फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। तो ये तुमको खुशी की बात है, सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, कि ये सारा नॉलेज प्राय है लोप हो जाए। वहां ये मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना रह जाए, यही सोच रह जाएगा कि हम नीचे गिरेंगे। बाप कहते हैं ये सारा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, फिर तुम देवताएं सुख में आ जाते। तो ये बहुत सहज ज्ञान है। बाप फिर कहते हैं मुझे याद करो, अभी तो कोई संपूर्ण बना नहीं है, टाइम पर सभी बन जाएंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तो अर्जुन बहुत काम चाहिए, ज्ञान में तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, योग में बहुत कम। तो योग का जौहर बड़ा अच्छा चाहिए, तभी किसी को ज्ञान का तीर लग सकता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिन दे बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्कार।